बेरोजगारों के हितों के लिए लड़ाई करते हुए उपेन यादव को हुए 11 साल, संघर्ष करते हुए मनाया जश्न। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी से कोच ने किया रेप, ब्लैकमेल करके 43,000 रुपए ऐंठे, दिल्ली पुलिस ने दर्ज की FIR। 2040 का टारगेट तय, एनर्जी के क्षेत्र में भारत बनेगा आत्मनिर्भर। संसद में तीसरे दिन भी हंगामा, सरकार और विपक्ष में चर्चा, आज टूट सकता है गतिरोध। कन्नौज में आयुष्मान कार्ड बनाने में रुचि नहीं ले रहे पंचायत सहायक। कर्नाटक में संदिग्ध खाद विषाक्तता से 100 से अधिक छात्र बीमार, सभी खतरे से बाहर। महाराष्ट्र पुलिस को मॉक ड्रिल करने से रोका गया, आतंकियों को खास समुदाय का बताने का था आरोप। भारत की ताकत दिखाने के साथ देश में सस्ते फ्यूल की उम्मीद जगाई, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने कहा। कश्मीर मुद्दे पर भारत ने पाकिस्तान को लगाई लताड़, बताया नफरत की साजिश करने वाला देश। बीजेपी की कर्नाटक में हेलीकॉप्टर पॉलिटिक्स, बनाया JDS का गढ़ भेदने का प्लान। देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।